इंसाफ सबको मिलना चाहिए। हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और तुलसीदास, निशीदास सबके लिए इंसाफ का मुकाबला कर रहे हैं और सबके लिए बराबरी का हक चाहते हैं। और हमारा मकसद ये है कि इस मुल्क में हमारे सीएम और हमारे पीएम और सारे एमपी और एमएलए शपथ लेते हैं हिंदुस्तान के आइन पर, लेकिन मुल्क में कानून चलता है मनुष्य मुक्ति का और दूसरे किस्म का। इसलिए इस मुल्क में इस आइन पर उन्होंने हलफ लिया है और शपथ लिया है, वही कानून इस मुल्क में चलना चाहिए। दूसरा कानून चलाएंगे तो मुल्क का निर्माण भी होगा। इसी तरह से हमारा मकसद यह है कि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है और जमहूरी मुल्क है और सारी दुनिया में हिंदुस्तान की जमहूरियत को सबसे बड़ी जमहूरियत माना जाता है, लेकिन आज जो लोग इंतजार में हैं वो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वो लोग याद रखें कि ये मुल्क किसी हाल में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जमहूरी मुल्क है और सेकुलर मुल्क है, इसको इसी हाल में रहना है। अगर इसके सेकुलरिज्म पर आ जाएगी तो हिंदुस्तान की 1 अरब 30 करोड़ आवाम की अक्सरियत उसको कबूल नहीं करेगी और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देगी। जैसे इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए और मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी दिया है, जिस दिन इस मुल्क का सेकुलरिज्म ताव पर लगेगा उस वक्त यहाँ के लाखों लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। इसी मकसद के लिए हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल से हम चौकन्ना रहें और सारे लोग चौकन्ना रहें और हम इस मुल्क के लोग जमहूरियत की और यहाँ के लोग जो का जो लोकतंत्र है उसके तहफ़ के लिए हम भरपूर कोशिश करें।